ठुमक ठुमक जब ही टिके तू पहाड़ी मठुमा। लाल तरह तरह चोड़ी सित हरा। सो वेरी गुड मॉर्निंग, श्री राधे राधे हरे कृष्णा। स्वागत है आपके और नए व्लॉग में। नया दिन नई शुरुआत, हरे कृष्णा। एंजॉय करो लाइफ को, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। तो हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट में अपना शेक, जिसमें है बनाना, ओट्स और कुछ बादाम। आज हमारी शुरुआत ब्रेकफास्ट में इस शेक से हो रही है। मैंने कहा मम्मी फटाफट से शेक बना दो, आज केले आ रखे हैं, मज़ा आएगा। तो वही पी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं उसका। सुबह के बज रहे हैं, सुबह के नहीं एक्चुअली टाइम हो रहा है एक, पूरा एक बज गया दोपहर का। और मैं 11:30 उठा, 12 बजे नहाया धोया, अभी जाके शेक मिला मेरे को, बना ब्रेकफास्ट। यहाँ पीछे आवाजें निकाल रहा है मेरा बड़ा भाई, 2000 आवाजें और निकाल जल्दी। सारा कुछ लगता है आज ही। मैंने कहा कि पहले शेक पी है, अब मेरे को जूस मिलेगा पीने के लिए, चुकंदर और कीनू, मतलब संतरे का जूस बोलते हैं। तो कल पता क्या हुआ, मैं आपको एक सीन की बात बताता हूँ। कल जब मैं जा रहा था मूवी देखने के लिए, तो मैंने एक फ्रेंड को बताया हुआ था कि मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। तो कल उसका मुझे कॉल आता है कि हाँ भैया मूवी कैसी है, बताना जरा। मैंने कहा भाई अभी मैं मॉल में हूँ, मूवी देखने जा रहा हूँ, अभी स्टार्ट भी नहीं हुई। कह रहा चलो ठीक है, मुझे बताना कि मूवी कैसी है। मैं कहा 4 घंटे बाद फ़ोन करना, बता दूंगा। तो कहता नहीं, मुझे इंटरवल के बाद में ही बता देना आधी मूवी देख के कैसी है। मैंने फिर उसको इंटरवल हुआ ना जब मूवी का, तो मैंने उसको कॉल कर दिया। मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे बात है, मूवी अच्छी है, हंसी वाली मूवी है, फैमिली मूवी है, आप लोग जाओ देखो, क्योंकि वो फैमिली में है ना, उसकी शादी हो चुकी है। तो फिर भाई ने कहा कि चलो ठीक है, मैं भी मूवी देखने जाता हूँ अपनी फैमिली के साथ। मैंने कहा ठीक है जाकर देखो। तो फिर रात को वो भाई साहब मूवी देखने गए होंगे, तो मुझे रात को 12-1 बजे टेक्स्ट आता है भाई का कि क्या मूवी है, बेकार मूवी है, क्या दिखा दिया मेरे को। मैंने कहा वाह, ये भी मेरी गलती है, अब मुझे मूवी अच्छी लगी, मेरी फैमिली को मूवी अच्छी लगी, तुमको मूवी अच्छी नहीं लगी, ये मेरी थोड़ी गलती है, तुम्हारी चॉइस ऐसी नहीं है जो तभी मूवी तुमको अच्छी नहीं लगी। तो मुझे टेस्ट कराया। मैंने कहा भाई उल्टा मैंने तुम्हारे ऊपर एक एहसान किया है कि तुम अपनी मूवी देखने गए हो अपनी पूरी फैमिली के साथ, और तुम्हारा एक मेमोरेबल मोमेंट क्रिएट हो गया है, कल को यादगिरी रहती है कि मैं फैमिली के साथ मूवी देखने गया था। उल्टा तुम मुझे बोल रहे हो कि मूवी बेकार है। तो मूवी अच्छी नहीं लगी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी है, फैमिली मूवी है, अच्छी मूवी है, हमने हंसते खेलते मूवी को देखा है, एक मेमोरेबल मोमेंट क्रिएट किया है, मैंने व्लॉग बनाया, आप लोग ने देखा ही है। तो ये बात थी, मैंने कहा चलो आपको बता दूं। तो मैं तो पहले बता रहा हूँ कि मूवी अच्छी है, जाके देखो, ऊपर से कह रहे मूवी अच्छी नहीं है। मैं कहा ठीक है भाई साहब, कमाल की बात है, चलो ठीक है। मुझे पता है वो भाई साहब व्लॉग देख रहे होंगे, मेरा व्लॉग देखते हैं वो, मेरी बात सुन लो भैया, मूवी अच्छी थी, अच्छी है और अच्छी रहेगी, आपको नहीं अच्छी लगी वो आपकी गलती है। तो जूस बन गया, अभी अपन जूस पियेंगे आराम से, फिर पापा को जूस देने जाएंगे आज। जैसे उस दिन पहले गए थे ना कि मेरी जूस पिया था, फिर पापा को जूस देने गए भी थे। तो कटन अभी यहाँ रख दो ना, पोछा लगता है तो कटन ऊपर उठा देते हैं हमने, ताकि पोछा सही से लग जाए। देखो लाल लाल जूस, अनार भी वाला है, अनार भी है, नहीं गाजर, गाजर कीनू और चुकंदर है ना। हाँ क्या मस्त है, लाल लाल, आज खून बढ़ेगा भाई हमारा, यार पूरा लाल है यार ये तो, चुकंदर है, चुकंदर। आपको पता नहीं होगा लेकिन चुकंदर बहुत बेस्ट चीज होती है बॉडी के लिए, चुकंदर का जूस पीना चाहिए, चुकंदर खाना चाहिए, क्योंकि उससे आपको बहुत अच्छा। सबको पता है, सबको पता है, चलो बनीप दादा, मैंने आपको बता दूं कि चुकंदर का जूस है, मैंने एज अ प्री वर्कआउट यूज किया हुआ है, मतलब चुकंदर जिम करने से, वर्कआउट करने से पहले 1 घंटा पहले चुकंदर का जूस पी लो, काफी अच्छा वर्कआउट होता है, हर किसी को नहीं पता होता ये। मैं ये बात बताने वाला था, ये नहीं कि चुकंदर अच्छा होता है। अच्छा बना, गाजर का टेस्ट ज्यादा आ रहा है, संतरे का मार है, क्या बात है भाई। पहले पिया अपने शेक, उसके बाद मिला अपने को ये जूस, तो अपन जूस एंजॉय करते हैं, ये जूस पीते हैं, फिर पापा के पास चलते हैं पापा को जूस देने के लिए, फिर आपको थोड़ा बाहर का राउंड दिखाते हैं आज क्या अच्छा मौसम आ रखा है, धूप वाला। जब मैं चला जाऊंगा घर से बाहर घूमने के लिए 25 दिन 30 दिन 40 दिन, फिर मैं ये चीज़ें मिस करूंगा, क्योंकि घर में बैठे खुद ही मुझे मिलता था, थाली में रोटी, गिलास में जूस, गिलास में शेक, बाद में याद आएगी। तो जूस पैक करवा ली है, पापा को देने जा रहा हूँ मैं। आज मौसम तो काफ़ी सही है, धूप भी काफ़ी अच्छी निकली हुई है, लेकिन बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है आज। जब मैं सुबह सोकर उठा था तो मम्मी ने बताया था कि आज सुबह बहुत फॉग थी,
लेकिन मुझे तो नहीं पता, मैं तो सो रहा था, लेकिन जब मैं उठा था तब सिर्फ धूप ही थी। ये ट्रैक्टर पे आते हैं ना लोग सीधा गाने चला के, इतने लोग पता नहीं हॉर्न क्यों मारते हैं, इतना पागल है यार, इतना हॉर्न बजाते रहते हैं बेफालतू का। मम्मी रोटी दे दो प्लीज, चावल वाला पराठा बना दो, अच्छा वाला मजा आ जाए खा के, ऐसी रोटी दे दो। बंद कर देगा, उबल उबल रही है सब देख। मुझे आपने बोला ही नहीं बंद करते, मैं कैसे बंद कर दूं मम्मा, मैं आपके हुक्म के बिना कुछ नहीं कर सकता। अगर वो हुक्म गलत भी है तो भी मैं कर दूंगा, अगर वो सही भी है तो भी कर दूंगा। रोटी दोगे तभी खाऊंगा ना, प्लेट में परोस के दो मेरे को, नन्ना मुन्ना बालक हूँ मैं। लंच में है कड़ी, जिमिंगंद रोटी और ये चुकंदर का सलाद, क्या बात है, मजा आ गया। जिमी कंद तुम्हारा भाई फिर से जा रहा है ऊपर कपड़े उतारने के लिए, फिर आज खेलेंगे एक छोटी सी गेम वही चिमटियों के साथ। धूप ढल गई है, सोचा कपड़े उतार रहा हूँ, मेरे सारे कपड़े खड़े हुए हैं अभी। चलो गेम खेलते हैं अपन चिमटियों के साथ, इसमें निकालते हैं चार, चार काफी है। बाल्टी तो इधर आ, ठीक है पहले डालते हैं, क्या कहते हो जाएगी ये पहली गई ब्रो, क्या बात है, आज लक हमारे साथ है, उस दिन लक हमारे साथ नहीं था। ये ओए यार ये तो अंदर जाके बाहर आ गई। अब तीसरी की बारी, ये ओबे यार चौथी की बारी, क्या लगता है जाएगी, देखते हैं। ये ओए यार शिट, एक गई बाकी तीन नहीं गई। चलो कोई बात नहीं, टाइम हो गया 4:35, ये सारे कपड़े उतार के फटाफट से नीचे चलते हैं और टाइम हो गया मेरा मंदिर जाने का। ये मेरे घर के सामने का व्यू देख लो, जहाँ से दिखता है शाम को डूबता हुआ सूरज वो सामने, ये पेड़ के पत्ते देख रहे हो बिल्कुल थोड़े थोड़े रह गए है ना, सारे झड़ चुके हैं भाई, सारे झड़ चुके हैं। इस मौसम में सारे पत्ते झड़ जाते हैं और जैसे जैसे सर्दी खत्म होती है फिर नए नए पत्ते आ जाते हैं। पहले आप लोग देखोगे कि आज से 8 महीने पहले मैं व्लॉग बनाता था, यहीं पे बनाता था, रोज ही बनाता था, डेली व्लॉग तब भी करता था, तब यहाँ से जब मैं डूबता हुआ सूरज दिखाता था ना तो वो प्रॉपर दिखता था, क्योंकि गर्मियों में सूरज थोड़ा ऊपर होता है और पेड़ ये थे ना जो तो काफ़ी छोटे थे, अभी धीरे धीरे बड़े हो गए तो अब बिल्कुल छिप गया वो सूरज, ये सीन है। चलो कोई बात नहीं, अब दिखाऊंगा आपको, आप भी देख रहे हो, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, आज से कुछ महीनों बाद जब सर्दी खत्म हो जाएगी ये पेड़ आपको दिखाऊंगा बिल्कुल हरे भरे होंगे। बचपन से यहीं पे रहा हूँ मैं, इन पेड़ों को ही देखा है, इन पेड़ों को ही जिया है हमने। चलो चले मंदिर, अब यहाँ पास ही में कहीं कीर्तन हो रहा है, वहीं से आवाज आ रही है। मौसम देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज रात को फिर से धुंध पड़ने वाली है और कल सुबह भी पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि अभी शाम को ही थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है दूर दूर तक। तो पहुंच गए हैं मंदिर, मिलते हैं आपको बाद में। तो मैं यहाँ हीटर के सामने आराम से बैठा हूँ, अपने पैर को गर्म कर रहा हूँ और टाइम हो गया है शाम के 6:30 और थोड़ी सी आलस आ रही है बाहर जाने में क्योंकि ठंड है बाहर थोड़ी सी, और अभी जिम भी जाना है अपने को, आज वर्कआउट करना है चेस्ट और ट्राइसेप का, इसलिए थोड़ी सी आलस आ रही है, लेकिन आलस को साइड रख के अपन बाहर जाने वाले हैं 5 मिनट में और वर्कआउट करके फिर घर आता हूँ। तो भैया मैंने तो एक स्ट्रॉन्ग कॉफी पिया है मम्मी के हाथ की और निकल पड़ा हूँ अपनी मंजिल की ओर, अरे मतलब जिम लगाने के लिए, और कौन सी मंजिल हो सकती है मेरी यार भाई, बाहर तो ठंड रखी है यार बहुत, अभी जिम जाऊंगा वर्कआउट करूंगा एकदम से गर्मी आ जाएगी फिर ठंड का एहसास ही नहीं होगा, फिर जब जिम से निकलेंगे वापस आते हैं फिर तो लगती ही नहीं है बिल्कुल ठंड भी, सारी होश जम गई है सीट पे, ठंड होगी भाई। मैंने आपको सुबह कहा था ना कि आज रात को धुंध हो जाएगी, देख लो शुरू हो गई है, मैं आज काफ़ी लेट हो गया जिम से, रात के 9 बज रहे हैं और मैं अभी घर जा रहा हूँ पनीर लेके। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं घर पे और मैंने अपना जो पोस्ट वर्कआउट मील है जो कि मैं हमेशा जिम के बाद खाता हूँ पनीर, वो भी खा लिया और आराम से बनाना शेक भी पी लिया है, अपना हो चुका है डिनर डन और हम बैठ गए यहाँ पे आराम से टीवी देखने के लिए थोड़ा सा। तो इसी के साथ हमारा आज का जो दिन है वो भी खत्म होता है और आज का जो डेली व्लॉग का टास्क है वो भी खत्म होता है। आई होप कि आपको ये जो व्लॉग है अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और फिर आपको मिलते हैं नए दिन के साथ कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए एंजॉय करो लाइफ को, कोई गम मत रखो, टेंशन फ्री रहो, चिल करो एंड फन करो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, हैव फन, गुड नाइट, सी यू।